हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और व्लॉग जो है वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कल किया था क्योंकि मेरी तबीयत रात में ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं आज व्लॉग को जो है वो अपलोड कर देती हूँ। तो कल हम गए थे शाम में ये बकरा मंडी, और यहाँ पर बहुत सारे जो थे यहाँ पर बकरे थे, पूरी की पूरी मार्केट बकरों से फुल थी। क्योंकि हम लोगों ने बार्गेनिंग अपनों के साथ नहीं करते, बाहर का कोई और तो बेस करते हुए भी अच्छा लगता है। हाँ, नहीं बेटा, अब घर की चीज ये तो जितनी बकरा है भाई, जा ही नहीं रहा कहीं। लेकिन यहाँ पर जो बायर थे वो बहुत कम नज़र आ रहे थे। आई थिंक सो कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, देखने वालों का रश ज़्यादा था और ख़रीदने वालों की तादाद जो थी वो कम नज़र आई थी। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बकरों का रेट जो था ना वो सही लगा हुआ था, और हमें बकरा भी बहुत अच्छे रेट पर मिला। हमने यहाँ पर जल्दी से एक बकरा जो है वो ख़रीद लिया, और हमने जो बकरा लिया था ना वो इतना मासूम, इतना शरीफ सा बकरा था, और बड़ा ओबीडियंट टाइप का बकरा, तो फिर जो बोलो वो बेचारा करता भी था। तो अब हम बकरे को जो है ना वो रिक्शे में लोड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही बेचारा बकरा, इसके लिए गाड़ी तो की नहीं जा सकती थी, तो फिर हमने रिक्शा कर लिया। मवेशी मंडियों का खासा बुरा हाल था बारिश की वजह से, तो आना बहुत मुश्किल हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आ गई। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको मंडियों में आते हुए बहुत डर लगता है, और मैं उनमें से एक। चलो चले बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इस मंडी के अंदर हर नस्ल का बकरा जो था वो अवेलेबल था, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ये बकरे दूर से लग रहे हैं कि जोरदार तरीके से टक्कर मार रहे हैं। क्या चाहते हो? कराची में वैसे तो बारिश नहीं होती, और जब होती है तो वो किसी इवेंट पर ही होती है, और बकरा ईद का एक ऐसा इवेंट है जिसमें बारिश जो है ना वो माहौल को बड़ा ख़राब कर देती है। तो चार दिन से जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही है मुसलसल और बहुत ज़्यादा, तो कराची तो वैसे ही बारिश अफोर्ड नहीं कर सकता, ऊपर से अब बकरा ईद है, तो एक्सट्रीम किस्म की जो है ना यहाँ पर पैनिक सिचुएशन हुई हुई थी, क्योंकि जगह जगह सड़कों पे पानी जो है ना वो तालाब की सूरत में भर गया था। तो शुक्र है ईद से पहले ही जो है ना ये सब कुछ वाइंड अप हो गया। बकरे को जो है ना वो रिक्शे में लोड किया जा रहा है, बेचारा किसी तरीके से चढ़ने को तैयार नहीं था, और बहुत ज़्यादा डर भी गया था वो रिक्शे में जब हम उसे लेकर आए हैं, तो लेकिन क्योंकि इसी तरीके से सब लेकर जा रहे थे तो हम भी ले आए। मैं भी इसी में, और क्या वो नंबर डर लग रहा है। नहीं भाई नहीं, तो तुम लोग दोनों बाद में आओगे? हम आ रहे हैं, आप जाएं। बकरा जो है वो रिक्शे के अंदर लोड होकर अब हमारा घर जा रहा है, और हम भी इसी रिक्शे के अंदर फिट हो गए। तीन लोग पीछे और एक बकरा आगे, तीन लोग आगे, एक बकरा, छह लोग, एक रिक्शा। बकरा भी हमारे साथ एंजॉय करता हुआ जा रहा है मौसम को। मेरे ख्याल में ज़फ़ीर ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे बकरे को, बट बकरा ज़्यादा ज़फ़ीर को एंजॉय कर रहा है। अब जो भी बोलो, डर तो तुम्हें ही लग रहा है। राइड विद बकरा। देख के पीछे ना गिर जाए भाई, आ गया। बकरा कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। गजब बेइज्जती है। देखो फरिया ने, फरिया फरिया बकरा, तो देखो फरिया बकरा बैठ गया, मुन्नी का बकरा बैठ गया। वाओ, ये बैठ गया ना, अब थक गया था ना, ये नीचे गया हुआ था। नीचे
बकरा क्या करने आया है फरिया? हम बकरे की कुर्बानी करेंगे। और ये ना बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे जो जानवर है ना वो बांध रखे थे, और एक ही जगह पर, क्योंकि चांडात थी तो सब जानवरों को एक जगह बांध दिया गया था। और ये सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे जानवर भी थे। जानवर इतने खूबसूरत थे कि उन पर से आंखें हटाना बहुत मुश्किल था। 1 बजे के करीब मैं गई लकी वन, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और एक सूट लेना था अपना, और बच्ची के भी 1-2 कपड़े मुझे लेने थे ईद के। तो जब तक आप चांद रात वाले दिन कुछ खरीदें ना शॉपिंग ना करें, तो ऐसा लगता है जैसे चांद रात तो हुई नहीं। तो मैं पहुंच गई लकी वन। रास्ते में मुझे थोड़ा सा रश मिला था, क्योंकि जो रोडों की सूरत हाल है वो तो सबको पता है भाई, सड़कें कैसी हो चुकी हैं बारिश के बाद। बट हम पहुंच गए थे लकीली जल्दी ही लकी वन पर। और जब मैं मॉल आई तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत रश होगा और ये और वो, पर बिल्कुल मॉल खाली था। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है बकरा ईद पर कपड़ों की इतनी चाहत नहीं होती लोगों को, क्योंकि सारा दिन काम काज होता है, किचन होता है, इसीलिए कपड़ों पे लोग लगता है ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऑब्वियसली मैं भी इस ईद पर ज़्यादा कपड़ों पे फोकस नहीं करती, क्योंकि फिर बंदा यही सोचता है यार क्या नए कपड़े पहन कर जो है ना वो किचन में जाए जो उनको ख़राब किया जाए। तो इसी वजह से बस एक फ़ोटो सेशन होता है, वो कपड़े जो है ना वो वापस रख दिए जाते हैं। खैर तो फिर मैंने कहा चलें उस फोटो सेशन के लिए भी कोई सूट तो चाहिए ही होगा, तो मैंने लेने के लिए पहुँच गई थी। मॉल खाली था ऑब्वियसली। फिर मैं यहाँ सबसे पहले गई जुलबरी पे, और जब मैं जुलबरी स्टोर पे गई तो मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन हाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ईद के सारे कपड़े जुलबरी से लिए थे, बहुत अच्छे थे, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, प्रिंट भी बहुत अच्छे थे, और सबसे बढ़कर बहुत रीज़नेबल से थे। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट स्टोर है यहीं पर ही विज़िट कर लिया जाए। बट जब मैं जुलबरी गई तो वहाँ मेरा मुकम्मल तौर पर जो है ना वो दिल टूट गया, क्योंकि वहाँ पर पिछली ईद के कपड़े लगे हुए थे। मतलब जो कपड़े मैंने पहन लिए वो कपड़े दोबारा रैक में मैंने देखे, मैंने कहा या अल्लाह डमी पे भी वही लगे हुए, रैक्स में भी वही लगे हुए, कहा कौन पहनेगा ये कपड़े दोबारा। ये जो देख रहे हैं ना अब येलो वाला सूट, ये लास्ट मीठी ईद पर लगा हुआ था। तो तकरीबन 70% कपड़े जो थे ना वो लास्ट ईद के थे। और दूसरा ये कि साइज़, और जो एक आदमी जो सूट पसंद आया उसमें स्मॉल साइज़ नहीं था। तो भाई यहाँ से डिसअपॉइंट होकर हम चले गए। और एक जुलबरी में एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि उनका जो स्मॉल साइज़ है वो 80% आवाम को फिट होता है, और वही वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा उनके पास मीडियम और लार्ज होता है जो किसी को फिट नहीं होता है। तो बड़ी अजीब लॉजिक है इस स्टोर की, मेरे ख्याल में किसी को इसको बताने की ज़रूरत है कि भाई प्लीज़ आप ना मीडियम और लार्ज से ज़्यादा स्मॉल साइज़ बनवाया करें, आई थिंक यही आपके स्टोर पर सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद मैं अपनी बच्ची के कपड़े लेने के लिए जो है वो बच्चा पार्टी स्टोर पर गई थी, और यहाँ पर जो है मुझे हमेशा अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, प्रिंट बहुत अच्छे होते हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं, ओवरऑल कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और रीज़नेबल होते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा कपड़ों पे इन्वेस्टमेंट करना बच्चों के बेकार होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, तो फिर आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं और आप उन्हीं पैसों में और बहुत सारे कपड़े ले सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सेविंग करें, इट्स अबाउट कि आप किस तरह स्टाइल करवा रहे हैं अपने बच्चे को, ये मैटर ज़्यादा करता है। तो बच्चा पार्टी पे मुझे बहुत अच्छे कपड़े लगते हैं ओवरऑल। तो मैंने यहाँ पर ये एक ब्लैक कलर वाली फ्रॉक ली थी, और उसके साथ ये ऊपर टॉप पर जो ये पोलका डॉट वाली वाइट शर्ट है मैंने ये ले ली थी। तो ये मैंने हाथ में भी पकड़ी है, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी ओवरऑल। तो बस मैंने ये ली। इसके अलावा मैं शूज़ मैंने पहले ही लिए हुए थे, बस यहाँ से मैं देख रही थी कि उसके लिए कोई टॉय ले लूँ ताकि ईद गिफ्ट मैं उन्हें दे सकूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको ईद गिफ्ट ज़रूर दूँगी। तो मैंने उनके लिए एक म्यूज़िकल डक ले ली थी, तो वो मैंने जो है वो उसको गिफ्ट की थी। तो जब वो सुबह उठी तो मैंने उससे यही कहा कि ये आपका ईद का गिफ्ट है, तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई वाह अब तो ईद हो गई मम्मा। मैंने कहा बच्चों को तो ऑब्वियसली खाने पीने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो बकरे वकरे में उनका कोई ख़ास, खिलाने में बकरे को होता है लेकिन खाने में नहीं होता, तो यही उनकी ईद होती है। बस मैंने यहाँ से अपनी शॉपिंग वाइंड अप की और दैट्स ऑल। मुझे यहाँ पर मैंने अपने कपड़े लिए, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से मॉल को जल्दी जल्दी टाटा बाय बाय किया और पहुँचे हम घर। और यहाँ पर ये हमारे बकरे के मनाजिर हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है बिफ़ोर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर। ये बेचारा ऐसा हो, हमें खुशकिस्मती से जो है वो कसाई जल्दी ही मिल गए थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी हमारा गोश्त जो है वो बना दिया। तो थोड़ा सा दुख हो रहा था खाना खाते हुए इस बेचारे बकरे का। मैं बनाई थी कलेजी पुलाव और रायता, बहुत अमेजिंग बना था, पुलाव बहुत ज़बरदस्त था, और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं।
आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे। और अब हमने कर दिया था अपने दिन का एंड, और यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग का भी एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।